निमका थाना के पाटन से अब तक की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फिर से एक बार वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम सुर्खियों में आया है। जानकारी के लिए बता दें पूरा मामला। जानकारी के अनुसार पाटन में जमीनी विवाद को लेकर एक मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपने आप को वसुंधरा राजे का पीओ बताते हुए आम जनता को और जमीन से जुड़े लोगों को दी है सरेआम धमकी। पाटन ग्राम पंचायत डोकन में काका बाबा के परिवार की जमीन का विवाद को लेकर जयपुर सचिवालय नरेंद्र कुमार सैन ने अपने पद को दिखाते हुए धमकी दी। गौरतलब है कि डाकन ग्राम में पारिवारिक जमीनी विवाद को निपटाने के लिए गांव के लोगों में कुछ दिनों पहले समझौता करने के बाद नरेंद्र कुमार ने अपने सचिवालय पद पर वह वसुंधरा राजे का पीओ बताते हुए फैसले का उल्लंघन किया, जमीन पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। एक गरीब परिवार की नहीं हो रही किसी प्रकार की सुनवाई, सरकार को बार बार गुहार लगाने पर भी प्रशासन मौन है और मुकदमा दर्ज करवाया नरेंद्र कुमार को गांव वालों ने जमीन पर फैसला कर देने से उस जमीन पर अपना कब्जा कर रहा है। नरेंद्र कुमार नहीं मान रहा है, नरेंद्र कुमार नहीं मानता उस बात को, बार बार ऐसे ही कहते हैं तो गांव वालों को मैं क्या समझता हूँ, कुछ नहीं समझता। ये बात कौन बोलता है? नरेंद्र कुमार कहता है गांव वालों को मैं कुछ नहीं समझता, मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा, अपने पावर का इस्तेमाल करता है वो, अपने पद का इस्तेमाल कर रहा है वो। हाँ, मैं वसुंधरा का पीओ हूँ, ऐसे कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपको उठवा दूंगा, ऐसे ऐसे। ये वसुंधरा का पीओ को कौन बोल रहा है? ये खुद ही बोलता है, नरेंद्र कुमार। हाँ, नरेंद्र कुमार सैन बोलता है। हाँ, मैं पीए है, फलाना है, दिखड़ा है, मेरे पास इतना पावर है, मैं ऐसे कर दूंगा,